नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे उमेश टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप कैप्चा कोड भर रहे हो, बार बार वो इनवैलिड ही बता रहा है, ठीक है, आप सही कैप्चा भर रहे हो फिर भी गलत बता रहा है, या फिर आप जो कैप्चा भर रहे हो आपको कन्फ्यूज हो, आप सही भर रहे हो या गलत भर रहे हो उसमें, और बार बार वो गलत ही बता रहा है, तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो और ये प्रॉब्लम क्यों आती है और कब सॉल्व होगी, कैसे होगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आ चुका हूँ इस वेबसाइट पे और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा एकदम सेम है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो अभी ये कैप्चा कोड दूसरा हो गया और ये मेरा दूसरा हो गया, ऐसे में इसको इनवैलिड बताना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिख के आ चुका है इनवैलिड कैप्चा, तो इस तरीके से आ चुका है इनवैलिड कैप्चा लिख करके। और अभी यहाँ पर मैं सही कैप्चा डालता हूँ, ये वाला जो कैप्चा है ये यहाँ पर मैं डाल के आपको दिखाता हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पर EHB लिखा मैंने और उसके बाद 781 यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। लिखने के बाद अब मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इनवैलिड कैप्चा का जो वो एरर यहाँ पर आ रहा था वो अभी नहीं आएगा। जैसे आप देखते हो यहाँ पर यूज़र नेम का आ रहा है और यहाँ पर दूसरे जो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं उसका आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैप्चा कोड का नहीं आया था। लेकिन अब मैं जैसे यहाँ पर गलत कर देता हूँ इसको और फिर अब आप देखोगे यहाँ पर कैप्चा कोड का भी एक आ जाएगा, यहाँ पर आप देखते हो लिख के आ चुका है इनवैलिड कैप्चा कोड। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी मेरा जो कैप्चा कोड है हालांकि वो तो सही है, ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसी वेबसाइट पर जाकर जा रहे हो जहाँ पर आप कैप्चा भर रहे हो वहाँ पर अगर आपको बार बार गलत बता रहा है या फिर कैप्चा कोड ही नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हो रही है इनको आप कैसे सही करोगे वो आप यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको समझना है कि कैप्चा कोड भरते कैसे, ताकि आपकी गलती नहीं रहनी चाहिए, आप यहाँ पर कैप्चा कोड सही सही फिल कर पाओ। सबसे पहले जैसे आप कैप्चा कोड कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन में जहां पर भी आप कैप्चा कोड भरोगे वहां पर आपको रीलोड यानी रिफ्रेश का एक बटन आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप कैप्चा कोड को रिफ्रेश कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको ये कैप्चा कोड नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको रीलोड करके रिफ्रेश कर लो और जो आपको समझ में आता वो आपको कैप्चा कोड यहाँ पर भरना है। भरना कैसे, ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर जो आपके कैपिटल लेटर है वो आपको कैपिटल लिखने, जो स्मॉल है वो स्मॉल, और यहाँ पर जो नंबर होंगे वो नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। सो जैसे कि यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने इसको भरा और उसके बाद यहाँ पर इसको मैंने डाला, तो इस तरीके से जो है कि आपको ये कैप्चा कोड भरना होता है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। सेम टू सेम इसी तरीके से आपको भरना, जैसे आप इसको भरोगे इसके लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब इनवैलिड कैप्चा नहीं लिख के आ रहा है, यानी कि हमारा कैप्चा कोड सही है। तो इस तरीके से जो है कि आप ये कैप्चा कोड भर सकते हो। और अगर आपका बार बार गलत बता रहा है तो अब आपको क्या करना है, जिस भी वेबसाइट पर आप कैप्चा कोड भर रहे हो जिसका आपको कैप्चा कोड बार बार गलत बता रहा है यानी इनवैलिड बता रहा है, उसको आपको रिफ्रेश कर लेना वेबसाइट को। वेबसाइट को रिफ्रेश करने के बाद आपको दोबारा से उसको ओपन करना है, यानी अगर आप क्रोम के अंदर इस वेबसाइट को ओपन किए हो तो आपको ब्राउजर को यहाँ से इस तरीके से मिनिमाइज करके दोबारा उस वेबसाइट को ओपन करना है स्टार्टिंग से, और फिर जाकर के वो कैप्चा कोड भरना। अगर फिर भी गलत बताता है, आप सही सही कैप्चा कोड भर रहे हो, तो आप कुछ देर बाद ट्राई करना, क्योंकि ये सर्वर इशू भी हो जाता है, ठीक है, तो इस वजह से वो आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता, वो बार बार इनवैलिड कैप्चा लिख करके आ जाता है वहां पे। तो इस तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप थोड़ी देर बाद ट्राई करना और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको स्क्रीन के साइड में दिख रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।